दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं, केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये पांच चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते
वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ध्यान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती मने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं सामने वाले से अधिक सफल हो के लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं,
एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप से सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ में हो तो भी जिंदगी पैदल मजेदार होती है। जिसको आपकी कद्र नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसके वाणी से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन के हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मशक्ति को क्षीण करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारी खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जिद को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए ही बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है,
जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती हैं। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदत है। कैसे भी क्यों ना हो, कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हां, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बात है, भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। परेशानी उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। वक्त क्या है उनसे पूछे जो रोज बची हुई तनख्वाह गिनते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे भी आपके पैरों तले टूट जाएं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा टूटने से पहले तक। गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझ कर भरोसा करना सिखाते हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। क्यों डरते हो जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। चेहरा तो साफ कर लो आईने को गंदा बताने वाले। हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी की। हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। अपने जीवन में आप कितना भी ऊपर क्यों ना उड़ जाए, पर अपनी गरीबी और बुरा वक्त कभी मत भूलो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होता है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा अपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान घर रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भर कर फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है,
पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बनाए। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ते, कोई अपना नहीं होता। गलतफहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता है। अहंकार में डूबा इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। अगर दो व्यक्ति में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए हर बार, वो रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। अहम दिखाकर रिश्ते तो तोड़ने से अच्छा है कि मांग कर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना भाग्य की बात है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना वो हमारे हुनर की बात है। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुग्ध बनाता है। मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से नहीं। जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वही जरूरी नहीं कि हम हर रिश्तों को खुश रख सके या फिर दुखी की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाएं जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे। प्रत्येक दोस्त हमारे भीतर एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक दोस्त नहीं आते तब तक उस दुनिया का जन्म नहीं होता, और उनके आने से ही एक नई दुनिया जन्म लेती है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो पूरी दुनिया के चले जाने के बाद भी आपके साथ होता है। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का ही क्यों ना रिश्ता हो, हमें सदैव इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए
और इनकी अहमियत समझनी चाहिए एवं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हैं तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाए, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। हम सभी हर रिश्ते से किसी ना किसी तरीके से, भावनात्मक तरीके से जुड़े रहते हैं। वहीं कई बार रिश्तों में सही गलत की पहचान कर पाना भी मुश्किल होता है। अच्छे बुरे के चक्कर में हम उलझते चले जाते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बुरी तरह टूट जाते हैं। वही कई बार तो लोग रिश्ते टूटने की वजह से डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ऐसी नौबत नहीं आए और हमें वक्त रहते रिश्तों की कद्र करनी सीखनी चाहिए। अपने रिश्तों को और भी अधिक खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वह काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगे। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू की। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को ये बात बताई कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश का पालन करते हुए उस कुएं के पास गए। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जल सेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ए पानी हारे, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे ले जाना है। ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहां से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। ये सुनकर सैनिक तुरंत वहां से चला गया। ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, यह बूढ़े हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पिलाने से मना कर रहा है। ये सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी हमें बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी पानी पिला देता हूं। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक वह सरदार है और राजा मैं हूं? तो इसका जवाब उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सरदार व सैनिकों को शर्म महसूस हुआ। हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हमारे पास अच्छी वाणी और बोलने का तरीका होगा तो हम अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वो सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है।
बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें हजार बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद है। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है, और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सके, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहे। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे, पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाए इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं,
फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना, मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।